कलेक्ट्रेट रीवा में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। दरअसल मध्य प्रदेश में ई कॉमर्स के मध्य से सरकारी ऑपरेटर की व्यवस्था की जानी है, जिस सिलसिले में नीलेश कुमार जो प्रयागराज का निवासी है आरोपी बताया जा रहा है, जिसने भोपाल के ई कॉमर्स से सलाहकार को फोन लगाकर खुद को रीवा डीएम बताते हुए और उनकी आवाज में बात की थी। मध्य प्रदेश ई कॉम में के माध्यम से सरकारी स्कूलों के लिए ऑपरेटर्स कंप्यूटर ऑपरेटर्स की नियुक्तियाँ की जाना है। इसके संबंध में एक नीलेश कुमार द्विवेदी हैं जो गोंधियारा इलाहाबाद के रहने वाले हैं। इनने जो ई कॉम्स के वरिष्ठ सलाहकार हैं कमलेश सेन भोपाल बैठते हैं, इनको इनने फ़ोन लगाया और डीएम रीवा का प्रतिरूपण करके और उनकी आवाज़ में उनको एक अपने भाई के लिए सिफारिश उनके पास की, लेकिन वो सेन साहब डीएम साहब की आवाज़ से परिचित थे, उन्हें ये लगा कि ये फर्जी कोई बोगस व्यक्ति है जो फर्जी नाम से कर रहा है, तो उनने उसको टाइम दे के दोबारा फ़ोन करने के लिए कहा। दोबारा जब फ़ोन हुआ तो उसने उनकी फ़ोन की रिकॉर्डिंग की और उनका विस्तृत कलेक्शन करने के बाद उनका संग्रहण करने के बाद वो डीएम साहब से बातचीत भी की, तो ये पता चला कि ये गलत जानकारी उनको दे रहा है। इसके बाद वो पूरा मैटर उनने वहाँ चिट्ठी पत्र भेज करके यहाँ भेजा, उस व्यक्ति के मोबाइल नंबर से उसका पता लगाया गया, नीलेश जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र ने उनको अभिरक्षा में लिया, उनसे पूछताछ किया है। इसमें दो प्रकरण पूर्व में भी विश्वविद्यालय थाना में और अन्य थाना में दो प्रकरण इसके इसी तरह के पूर्व में भी कायम है और उसमें उनकी अरेस्टिंग हुई है। ये आदतन अपराधी है, इसे आज जो है न्यायालय में पेश किया जाएगा। कलेक्टर मनोज को उसके नाम फोन किया था, फरियादी कौन था जिसने ये शिकायत की कि इस तरह की फर्जी नियुक्ति करवाई जा रही है? ये जब पत्र उनके पास आया, पूरी चीज़ डीएम साहब के संज्ञान में आई, तो उनने ये पत्र भेज करके अपने रीडर के माध्यम से पुलिस को सूचना दी और अपराध पंजीवृत कराया। अभी ये प्रकरण विवेचना में है, इसमें जो जो लोग इन्वॉल्व होंगे जिनके खिलाफ जो है इससे लाभ पा रहे होंगे वो सब मुजरिम बनेंगे।